सफर आधे में ही छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो बाजी के यहाँ पर आ गया हूँ मैं, और बंसल स्वीट एंड बेकर्स, लखनऊ, सीतापुर रोड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशाम मेरे YouTube चैनल बुंदेलखंडी छोरा। तो दोस्तों भी हम लोग आए हैं बंसल स्वीट में, बहुत अच्छी शॉप है यहाँ की, और पहले भी मैं यहाँ से एक बार स्वीट ले चुका हूँ, तो इसलिए मैं कहीं भी नहीं गया अभी, और मैं बंसल स्वीट पे आया हूँ। हालांकि मैं दूसरी बार लखनऊ आना हुआ है और दूसरी बार मैं यहीं पर आया हूँ। और बाजी के लिए, एमडी के लिए छेना पैक करा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनको दिया भी नहीं है, और शाम को बाजी से मुलाकात होने वाली है, तो फिर ठीक है बाजी को भी छेना दे देंगे। तो अभी हम लोग आए हैं छेना पैक कराने के लिए, और इसके बाद में तैयारी करेंगे निकलने की लखनऊ से, इंशाल्लाह। फिर देखिए कब आना होता है लखनऊ। दोस्तों फिलहाल बंसल स्वीट देखिए बहुत शानदार है, और ये बंसल स्वीट से हमने पैक करा लिए हैं छेना। और ये बड़ा मोमेंट यार, ऐसा होता है बच्चों को छोड़ के निकलना, चाहे बड़वा से निकला हूँ या मौदाह से कभी निकला हूँ, ये बड़ी इमोशनल मोमेंट होती है। बच्चे सो के उठे ना अभी। तो भाइयों वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, और वंस अगेन ओला राइड का मज़ा लिया जा रहा है लखनऊ शहर में, और शाम तक गाज़ियाबाद पहुँचेंगे एंड स्टे करेंगे, और कल वहाँ से निकलेंगे बहरोड के लिए इंशाल्लाह। और इवनिंग की छुट्टी थी, शॉर्ट टाइम था, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। अब देखो इंशाल्लाह जुलाई में ही बच्चे मिलेंगे मुझे, और काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। सेटलमेंट करते हैं, करते हैं, उसके बाद जाएगा। तो ओला राइड से आ रहे हैं स्टेडियम से चार बाग के लिए, और ट्रेन हमारी चार बाग से है, मेन लाइन से बड़ी लाइन से, तो दिखा दें आपको मेट्रो। और मेट्रो से जो व्यू बनता है ना चार बाग का, वो अलग ही होता है। और नया पुल को क्रॉस कर रहे हैं हम खदरा के बाद, यहाँ से दिखाई दे रहा है क्लॉक टावर, दिखाई दे रहा है टीले वाली मस्जिद दिखाई दे रही, और वो दूर पे बड़ा इमाम बाड़ा भूल भुलैया की मीनारें दिखाई दे रही हैं। ऐतिहासिक है ये जगह, और हम पहुँच चुके हैं केडी सिंह स्टेडियम, जहाँ से मैं मेट्रो से जाऊँगा चारबाग तक। तो आ गए हम लोग केडी सिंह स्टेडियम, IPL का पूरा खुमार छाया है भाई, और ये देखिए लखनऊ मेट्रो का दृश्य, और ये आ गई हमारी मेट्रो जिससे हम जाना है चार बाग। और यहां से देखिए चार बाग मेट्रो स्टेशन से, जो चार बाग का जो रेलवे स्टेशन है ना। तो भाइयों मैं आ गया हूँ चार बाग रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, दो लाइनें हैं छोटी लाइन बड़ी लाइन, वो छोटी लाइन बोलने के लिए ही है, वो भी ब्रॉडगेज हो गई है। लेकिन आप जस्ट मेरे पीछे जो वाला स्टेशन देख सकते हैं, वहाँ से जो ट्रेनें वो चलती हैं, जो यहाँ से खुलती हैं, मतलब जो बनती हैं यहाँ से, जो स्टार्टिंग पॉइंट लखनऊ है, तो वो ट्रेनें वहाँ से चलती हैं, वो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। और जो ये स्टेशन है ना, ये बड़ा वाला, ये चारबाग का मेन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपको पासिंग ट्रेनें मिलती हैं जो यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो कभी कंफ्यूज ना हो। इसको बोलते हैं NR, लखनऊ NR, और जो मेरे पीछे है प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं लखनऊ NER। NER मतलब ट्रेनें यहीं से बन के चलती हैं, और NR का मतलब जहाँ से ट्रेनें पासिंग होती हैं। तो मेरी ट्रेन पासिंग ट्रेन है, तो बड़ी लाइन बोलते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अभी लखनऊ का जो मेन एंट्रेंस है चारबाग का, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये है लखनऊ चारबाग बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन का अंडरपास, एक नंबर प्लेटफॉर्म से हम जा रहे हैं अभी चार नंबर प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन हमारी चार नंबर प्लेटफॉर्म पर आनी है, नीलाचल एक्सप्रेस, और शाम को 7 बजे आज फिर से मुलाकात होने वाली है बाजी से, अल्लाह का शुक्र है। रूट अच्छा हो गया, मतलब मज़ा आएगा अभी इस रूट में, हर बार खून पीऊँगा इसका मैं, आ जा घर नहीं जाऊँगा। लेकिन पिछली बार बोल रही थी, अब की बार अगली घर नहीं आएगा तो बहुत पिटेगा, ठीक है। तो अभी चार नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं हम लोग अंडरपास के थ्रू, और नीलाचल बिफोर है, आई थिंक 15-20 मिनट पहले आ रही है, कोई बात नहीं, जाते हैं और सो जाते हैं, नहीं पहले खाना खाएंगे। तो लो भाइयों ये आगे हमारी ट्रेन पूरी आनंद विहार टर्मिनल, बहुत ज़्यादा स्टॉपेज हैं इसके।
ट्रेन हमारी आ चुकी है, बोगी हमारी लग चुकी है। ये मेरा कोच है इस बार, तो चल के देखते हैं अंदर कोच कैसा है। आइए दोस्तों कोच के अंदर चलते हैं। पूरी आनंद विहार टर्मिनल का ये H1 AC फर्स्ट क्लास का कोच, और ये है हमारी कैबिन, बी कैबिन है, लोअर बर्थ है हमारी। ये एक भैया पहले से बैठे थे, इंट्रोडक्शन लेते हैं इनसे बाद में। काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा इसमें, आराम से सफ़र कटने वाला है भाई बिना किसी डिस्टर्बेंस के। बढ़िया कोच है, काफ़ी स्पेस दे रखा है, यहाँ भी पूरी स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, नीचे भी बैग वगैरह आसानी से चले जा रहे हैं, और फैमिली के साथ कभी आए तो बढ़िया है। ये ऊपर सीट में जाने के लिए सीढ़ी बना रखी छोटी सी, इंडिविजुअल लैंप दिया हुआ है। तो गाजियाबाद तक का सफर है और अमन भाई जा रहे हैं आनंद विहार टर्मिनल, तो साथ अच्छा कटने वाला है क्योंकि अभी जितनी भी थोड़ी देर बात की है तो अच्छा ही एक्सपीरियंस शेयर हुआ है, तो मतलब सफर तो आसान कटने वाला है। और बोलते हैं ना कि पड़ोस का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ भी फिलहाल पड़ोस अच्छा मिल गया मुझे। ओके भैया, तो भैया अभी जा रहे हैं ऊपर वाली सीट में और मैं भी थोड़ा खाना पीना के रेस्ट करता हूँ, और फिर अलीगढ़ में बाजी आने वाली, बाजी से मिलवाता हूँ फिर मैं आपको। चलिए बाय दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया बड़े बड़े स्टेशन में सफ़र किया है, लेकिन जो बात अनाउंसमेंट कानपुर सेंट्रल की होती है ना, वैसी अनाउंसमेंट भाई कहीं नहीं मिली। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का अनाउंसमेंट मुझे तो। तो जाना तो मुझे गाजियाबाद था, लेकिन बाजी बहुत बड़ा गई है और बाजे भी बोल रहे बेवकूफ है, उधर जाए यहाँ से जाए, तो अलीगढ़ उधर जा रहा हूँ मैं, और घर वालों को बताया नहीं है, पापा बहुत जूता मारने वाले हैं। ठीक है, बोले सीधा ये रास्ता कभी सीधा रास्ता जाएगा ही नहीं, खासतौर से मम्मी तो पक्का बोलूंगी। और अभी खाला का भी फोन आया था, खाला कह रही कहाँ पहुँच गए, तो मैं बोला खाला सॉरी मैं नहीं आ रहा हूँ गाजियाबाद। कह रही क्या हुआ, मैं बोला कि बाजी के पास जा रहा हूँ, तो कह रही दे दी अम्मा को गोली दे दी तुमने, तो मैं कहा गोली वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर तो रूट ये हो ही गया है और बच्चों के साथ में आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अलीगढ़ स्टेशन आने वाला है, मैं तैयारी कर लेता हूँ अपनी, तो चार्जर वगैरह सब रख लेते हैं और मिलते हैं बाजी के पास में, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है बच्चों का, बाजी का कुछ तो हो जाएगी, कूद तो जाएगी। तो अमन भाई बढ़िया रहा जर्नी आपके साथ, और पक्का देखिएगा वीडियो ठीक है, तो फिर निकलते हैं अलीगढ़ आने वाला गेट पर जाके, ठीक है। थैंक यू। चलिए दोस्तों दिखाते हैं अलीगढ़ आपको। तो लखनऊ में ओला राइड के बाद अब बारी है अलीगढ़ में ट्री की सवारी, शान की सवारी। तो अभी हम लोग बैठे हैं, स्टेशन से जा रहे हैं बाजी के घर। मैंने उसे फोन किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ और मैं निकल गया हूँ, खूब बक रही है, फिर झूठ मत बोल, मुझे ट्री की आवाज आ रही है और तू ट्री में बैठा है ऐसा वैसा। मैं बैठा ही नहीं हूँ, मैं आई नहीं रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों खुश तो बहुत है, वो पहुँचते हैं वहां पर। ये रूट में नहीं था, बहुत गलत जगह पोस्टिंग हुआ है मेरा, हर बार इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा, नहीं आएगा। दो मिनट के लिए और मुझे ट्रेन छोड़नी पड़ेगी। पहले मैं तुम्हें देखो, ये तुम, ये लखनऊ के थोड़ा सा खा लेगी कोई बात नहीं, और ये तेरी मेहंदी है जिसमें से तेरे वाले पैकेट में छोड़ गए थे, एक पैकेट एक गायब हो गया, नहीं देखो वो तो हम तो 10 वाले से भी कर रहे थे, लेकिन मैं कहा चलो दे तो एक हमारी, अल्लाह का शुक्र कम से कम लिया तो उस लड़की, मैं उसको बोल रहा कि एक और निकाल दूं काम सर को, उससे नहीं वो काम सर से हमारी उससे कह रहे थे ना, नहीं तो उसने नहीं फिर एक ही लिया उसने, मगर ये है मुझसे बात कर ना सर भाई, ये ले ली यार तुम तो लगाने के लिए कितना खुश होते हैं, और ये मैं मिल रही है। हां यहां मिल रही है।
और ये तेरा पिछले वाले सामान का चम्मच ले गया हूं दान रख दे किसी का ठीक है बताओ मैं क्या क्या लेके गया है अच्छा और दान नहीं रखता बनाया और आमू लीची खा लो और ये है मम्मी ने दिया है देखो इसमें क्या है मम्मी का बच गया अभी तक तू तो फिर लखनऊ घूम रहा था मम्मी ने क्या दिया मां का पेयर सेलिंग बुक मिल गई किताब मिल गई मम्मी ने अभी फोन किया था मम्मी ने सब तो भी रख दिया इसमें अरे वाह और ये मेरी तरफ से है छोटा सा डिब्बा अल्लाह छेना सलीम तो हैदराबाद से आया क्या बस भैया अब तो दोस्तों सफर आधे में ही छोड़ दिया हमने ठीक है तो बाजी के यहाँ पर आ गया हूँ मैं और रात को यहीं पर रुकने वाला हूँ और इंशाल्लाह कल सुबह यहाँ गोमती से निकलेंगे यहाँ से गाजियाबाद और गाजियाबाद में मनोज को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए बताइए वीडियो कैसा लगा और ये जो एक्सपेरिमेंट किया आधे सफर तक का वो सफर कैसा लगा आपको तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।